Hi, the topic is implementation of fuzzy logic using MATLAB. Here we will try to see how the fuzzy logic deal with the uncertainty and how it forms a multi-valued logic to deal with the reasoning that is approximate rather than precise. इस वीडियो में हम दो सेक्शन में कवर करेंगे. पहले सेक्शन में मैं एक एग्जांपल लेकर आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे फजी लॉजिक किसी प्रॉब्लम में अप्लाई होता है और उसका रिजल्ट कैसे जनरेट होता है. सेकंड सेक्शन में हम मैटलैब में जो फजी लॉजिक टूल बॉक्स है उसका यूज़ करेंगे और सेम प्रॉब्लम को उसमें डिप्लॉय करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट जनरेट होते हैं. तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो इस एग्जांपल में हमें वॉशिंग मशीन का वॉश टाइम निकालना है. इसके लिए कंट्रोलर डिज़ाइन करना है डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन का, जिसमें हम दो इनपुट लेंगे. पहला इनपुट होगा परसेंटेज ऑफ डर्ट और दूसरा इनपुट है परसेंटेज ऑफ ग्रीस ऑन क्लॉथ्स. इसके बेसिस पे हम वॉशिंग मशीन का वॉश टाइम डिटरमाइन करेंगे. सो इसके लिए जो स्टेप्स हैं, यही सेम स्टेप हम यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान भी फॉलो करेंगे और सेम स्टेप्स हम फजी लॉजिक टूल बॉक्स में भी यूज़ करेंगे सॉल्यूशन को जनरेट करने के लिए. तो सबसे पहले दो स्टेप की मैं बात करता हूँ. पहले दो स्टेप की क्या मीनिंग है. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इनपुट है वो हम क्रिस्प इनपुट देते हैं. तो अभी मैंने बात की कि मेरे जो दो इनपुट होंगे वो पहला इनपुट होगा परसेंटेज ऑफ डर्ट और परसेंटेज ऑफ ग्रीस. ये दोनों ही जो इनपुट हैं वो प्रिसाइज हैं, क्रिस्प हैं. तो जब भी कोई प्रिसाइज वैल्यू आती है वो क्रिस्प वैल्यू कहलाती है. और चूंकि हमारा जो फजी लॉजिक है वो फजी वैल्यू पे काम करता है, वो क्रिस्प वैल्यू पे काम नहीं करता है. तो हमारे फजी लॉजिक पे जो वैल्यू है, जो इनपुट है, पहले हमको उस क्रिस्प वैल्यू को फजी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है. इसके लिए दिए गए इनपुट के सबसे पहले लिंग्विस्टिक वेरिएबल फाइंड आउट किए जाते हैं. उन लिंग्विस्टिक वेरिएबल पे मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई किया जाता है और क्रिस्प वैल्यू को फजी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है. इसके लिए पहले दो स्टेप यूज़ होते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं इस डायग्राम में कि जो इनपुट है वो हमारा क्रिस्प है, सपोज दैट परसेंटेज ऑफ डर्ट है या परसेंटेज ऑफ ग्रीस है. इसके लिए सबसे पहले हमें फजीफिकेशन इंटरफेस जो यूनिट है वो लिंग्विस्टिक वेरिएबल फाइंड आउट करेगी और उसके बाद में उनके मेंबरशिप वैल्यू लेगी इस डेटाबेस से. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नॉलेज बेस है, इस नॉलेज बेस में दो पार्ट हैं. एक पार्ट है डेटाबेस का जिसमें मेंबरशिप फंक्शंस हैं डिफाइंड हैं, और दूसरा पार्ट है रूल बेस जो रूल डिज़ाइन करता है सॉल्यूशंस को जनरेट करने के लिए. तो सबसे पहला काम तो होगा, हम स्टेप नंबर वन में देखते हैं कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट है उसके लिए लिंग्विस्टिक वेरिएबल डिटरमाइन करना और साथ में उनके डिस्क्रिप्टर बनाना. लिंग्विस्टिक वेरिएबल थोड़ा लॉन्ग टर्म होते हैं तो उनका डिस्क्रिप्टर हम शॉर्ट टर्म बना लेते हैं, वही थ्रू आउट पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान हम यूज़ करते हैं. दूसरा काम होता है जो हमारा यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन आइडेंटिफाई करना. मेंबरशिप फंक्शन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखे हैं, जैसा कि ट्रापेज़ॉइडल मेंबरशिप फंक्शन, ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन, गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन और भी कई सारे होते हैं. बेसिकली ये तीन हमने स्टडी की थी. तो इनमें से कोई भी एक मेंबरशिप फंक्शन हम यहाँ डेटाबेस से पिक करते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर डेटा पे लिंग्विस्टिक वेरिएबल पे, जिससे कि हमारी जो क्रिस्प इनपुट होता है वो हमारे फजी इनपुट में कन्वर्ट हो जाता है. इन्हीं लिंग्विस्टिक वेरिएबल के बेस पे रूल बेस जनरेट होता है, रूल्स जनरेट होते हैं और वो रूल्स अप्लाई होते हैं उसी फजी वैल्यू पे. इट मीन्स ये जो रूल अप्लाई होंगे वो डिसीजन मेकिंग यूनिट में आएंगे. तो ये जो मेंबरशिप वैल्यू जनरेट हुई इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के लिए, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग यूनिट में कलेक्ट हुई. यहाँ पे वो रूल बेस अप्लाई हुआ, जो रूल्स जनरेट हुए हैं लिंग्विस्टिक वेरिएबल का यूज़ करके, और फाइनली एक डिसीजन मेक हुआ. ये जो डिसीजन मेड होता है वो भी आपका फजी लॉजिक पे ही रिजल्ट जनरेट होता है. चूँकि हमने क्रिस्प इनपुट लिया था, हमें रिजल्ट भी क्रिस्प आउटपुट में क्रिस्प चाहिए, तो आउटपुट भी हमें क्रिस्प चाहिए. तो दैट्स वे क्या ये जो फजी आउटपुट हमारा आया हुआ है पहले डीफजीफाई होता है और फाइनली डीफजीफाई होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो क्रिस्प वैल्यू में मिलेंगे. तो इस प्रकार से ये पांच स्टेप हैं. सबसे पहले हमें इनपुट और आउटपुट के लिंग्विस्टिक वेरिएबल फाइंड आउट करना, उनके डिस्क्रिप्टर बनाना, सेकंड मेंबरशिप फंक्शन डिज़ाइन करना, देन थर्ड स्टेप है रूल बेस बनाना, फोर्थ स्टेप है उन रूल्स को इवेल्युएट करना और फाइनली डीफजीफाई करके जो क्रिस्प रिजल्ट है उसको प्रोड्यूस कर देना. तो स्टेप वन बाय वन अपन देखते हैं क्या क्या करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप था हमारा इनपुट और आउटपुट के लिंग्विस्टिक वेरिएबल उनके डिस्क्रिप्टर बनाना. तो पहले हम देख लें इनपुट और आउटपुट है क्या. तो हमारे दो इनपुट थे, पहला इनपुट था डर्ट और दूसरा इनपुट है ग्रीस. ये दोनों इनपुट हमने परसेंटेज में लिए हुए हैं और जो हमारा वॉश टाइम है, जो आउटपुट है, वो हम मिनट में काउंट करेंगे.
सबसे पहले हम पहले इनपुट को पिक करते हैं डर्ट को। तो डर्ट को अगर हम क्वांटिफाई करने के बारे में सोचें तो तीन तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डिस्क्रिप्टर आप तैयार कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे तीन बनाए हुए हैं। तो पहला जो क्वांटिफिकेशन है वो है स्मॉल डर्ट, दूसरा है मीडियम डर्ट और तीसरा लार्ज डर्ट। ये जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल हैं स्मॉल डर्ट, मीडियम डर्ट एंड लार्ज डर्ट, इनके डिस्क्रिप्टर बना लिए SD, MD एंड LD और इनका एक सेट तैयार कर लिया डर्ट के लिए। सिमिलरली एक सेट तैयार किया ग्रीस के लिए, जिस प्रकार नो ग्रीस, मीडियम ग्रीस एंड लार्ज ग्रीस, ये तीन लिंग्विस्टिक वेरिएबल थे, इनके ये डिस्क्रिप्टर हो गए और उनका एक सेट तैयार हो गया। इनपुट का हमारे जो जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स और डिस्क्रिप्टर हैं वो बन चुके हैं। अब हम आउटपुट के लिए देखते हैं। आउटपुट हमारा वॉच टाइम था, तो जो वॉच टाइम है, जो टाइमिंग है, इसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम, लास्ट टाइम, वेरी लास्ट टाइम, इनके ये डिस्क्रिप्टर तैयार हो गया और इनका ये सेट तैयार हो गया। इस प्रकार हमने इनपुट और आउटपुट के वेरिएबल्स के सारे डिस्क्रिप्टर तैयार कर लिए, यानी स्टेप वन हमने कम्प्लीट कर लिया है। अब हम स्टेप टू पर चलते हैं। स्टेप टू में हमारा काम है मेंबरशिप फंक्शन चूज़ करना। यहाँ जो हमने मेंबरशिप फंक्शन चूज़ किया हुआ है वो है ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें तीन पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है A, दूसरा M, तीसरा B। A पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जिसके पहले की सारी वैल्यूज़ की जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उसकी मेंबरशिप वैल्यू जीरो होती है, और इसके बाद में A से M के बीच में वो वैल्यू, ए जो मेंबरशिप वैल्यू है किसी दिए गए इनपुट के लिए, वो इंक्रीज़ होती है। M वो पॉइंट है जहाँ पर मेंबरशिप वैल्यू पीक पे होती है, और लेटर ऑन M से B तक वो मेंबरशिप वैल्यू डिक्रीज होती है, और B वो पॉइंट है जिसके बाद से वंस अगेन उस दिए गए इनपुट के लिए सारी मेंबरशिप वैल्यू जीरो होती है। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में आपका जो वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में है, ये मेंबरशिप वैल्यू कहलाती है। कि वेन एवर वी आर नॉट श्योर अबाउट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वेदर पर्टिकुलर एलिमेंट विल बी इन अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट और नॉट, तो फिर हम यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्वांटिफाई करते हैं। अब वो वैल्यू 0.2 भी हो सकती है, 4, 6, 0.8 या 1, तो जो भी मेंबरशिप वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे ये ग्राफ हमें उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन एक्स एक्सिस जो है हमारा वो इनपुट वैल्यू लेता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूँ कि जो मेरी इनपुट वैल्यू है अगर वो ए से पहले है, यहाँ कहीं है, तो ए से पहले आप देख रहे हो कि जो हमारा ये पिंक कलर की मेंबरशिप फंक्शन है इसकी वैल्यू ए से पहले अगर देखा जाए तो सारी वैल्यू ज़ीरो हैं। तो दैट्स वे अगर कोई भी इनपुट वैल्यू जिसकी वैल्यू ए से पहले आती है वो सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी। ए से लेकर एम तक वो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो सपोज़ अगर हमारी इनपुट वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आती है, तो जब मैं इस पॉइंट को ऊपर से मिलाऊंगा तो वो हमारे इस मेंबरशिप फंक्शन में इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। इस पॉइंट को वाई एक्सिस पे मैच करने पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू 0.2 से 0.4 के बीच में कहीं है। तो दैट्स वाई उस एक्स की वैल्यू के लिए जो मेंबरशिप वैल्यू होगी वो 0.2 से 0.4 के बीच में वैरी करेगी। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम एम पे आते हैं, अगर हमारी मेंबरशिप वैल्यू पर्टिकुलर इसी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे है, तो इसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो पीक पे है, इट मींस वो मैच कर रही है 1 से वाई एक्सिस पे। आगे बढ़ते हैं, जब अगर हमारी मेंबर्स जो हमारी इनपुट वैल्यू हो उसकी वैल्यू अगर एम से बी के बीच में वैरी करती है, तो वंस अगेन वो जो एक्स है उसको वाई एक्सिस से मैच करने पर वो किस पॉइंट से मैच कर रहा है वही उसकी मेंबरशिप वैल्यू हो जाती है। इस ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन में जो मेंबर फंक्शन डिज़ाइन किए जाते हैं उसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी योग्य है। जब हम आप इस ट्रायंगल को आप देख रहे हो तो यहाँ दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है ए से एम के बीच में और दूसरा पार्ट है एम से बी के बीच में। तो इसका मेंबरशिप फंक्शन कैसे डिज़ाइन होता है, तो जो एक्स की वैल्यू है, इस जो इनपुट है हमारा, वो इस एक्स एक्सिस पे वेरी करेगा। तो अगर हमारा इनपुट ए से पहले आता है तो दैट्स वे सारी मेंबरशिप वैल्यू जीरो है, बी के बाद आता है तो सारी मेंबरशिप वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर ए से एम और एम से बी के बीच में आता है तो दो अलग अलग टाइप से ये कैलकुलेशन होगा। अगर ए से एम के बीच में आता है, केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो अगर ये फर्स्ट हाफ में आता है और एक्स हमारा कहीं ए और एम के बीच में यहाँ पे है, तो दैट्स वाई इसका मेंबरशिप फंक्शन होगा एक्स माइनस ए अपॉन एम माइनस ए। और अगर हमारी इनपुट वैल्यू एक्स एम से बी के बीच में कहीं पे आती है तो यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन होगा बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एम। केवल इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं, इस ग्राफ में देखते हैं, सबसे पहले हम डर्ट के लिए मेंबरशिप फंक्शन बनाते हैं। उसके लिए तीन लिंग्विस्टिक वेरिएबल हमने ले रखा था, स्मॉल डर्ट, मीडियम डर्ट एंड लार्ज डर्ट। इसके लिए हमने तीन यहाँ पे बनाए हुए हैं। जो हमने डर्ट लिए वो परसेंटेज में ली है, तो चूंकि परसेंटेज 100% तक काउंट होता है, हमने इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 0
परसेंटेज, 50% एंड 100%। तो दैट्स वे जो हमारी स्मॉल डर्ट है वो जीरो पे पीक पे है, जो मीडियम डर्ट है वो 50 पे पीक पे है, और जो लार्ज डर्ट है वो 100% में पर्टिकुलर पॉइंट पे पीक पे है। अब हम इसके लिए मेंबरशिप फंक्शन डिज़ाइन करते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल डर्ट के लिए करते हैं। स्मॉल डर्ट में केवल और केवल ये सेकंड हाफ वाला पोर्शन है, यानी एम से बी वाला पोर्शन है। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, अगर एक्स की वैल्यू एम से बी के बीच में वेरी करती है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी माइनस एक्स अपन बी माइनस एम। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बी के प्लेस पे वैल्यू है 50 और एम के प्लेस पे वैल्यू है 0। तो एच डी के लिए जो मेंबरशिप फंक्शन बनेगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से 50 के बीच में है, तो दैट्स वाई क्या बन जाएगा, 50 माइनस एक्स अपान 50 माइनस 0। तो 50 माइनस एक्स अपान 50 माइनस 0 दैट इज 50। अब हम अगर इसी तरीके से एम डी के लिए देखते हो, तो एम डी में दोनों पार्ट हैं, फर्स्ट हाफ भी है 0 से 50 और सेकंड हाफ भी है 50 से 100, जहाँ पे ए की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 100 है। तो पहले हम देखते हैं, अगर एक्स की वैल्यू जो हमारा इनपुट है वो 0 से 50 के बीच में आता है, चूंकि यहाँ पे हमारे दो इनपुट था, पहला इनपुट डर्ट है तो इसको मैंने एक्स से माना हुआ है, दूसरे इनपुट को हम वाई से मान लेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं कि अगर मीडियम डर्ट की हम मेंबरशिप फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और एक्स हमारा कहीं 0 से 50 के बीच में आता है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 0 अपॉन 50 माइनस 0 एक्स। तो दैट्स एक्स माइनस 0 एक्स हो गया, 50 माइनस 0 50 हो गया, जब एक्स की वैल्यू 0 से 50 के बीच में थी। अब अगर एक्स की वैल्यू 50 से 100 के बीच में है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस 50, तो दैट्स वाई 100 माइनस 50 50 हो गया, जब एक्स की वैल्यू 50 से 100 के बीच में थी। इसी प्रकार से हम देखते हैं लार्ज डर्ट के लिए। लार्ज डर्ट में हम देखते हैं केवल और केवल फर्स्ट हाफ वाला पोर्शन है, ए से एम वाला पार्ट है, तो दैट्स वाई 50 से 100 के बीच में ए की वैल्यू 50 हो गई, एम की वैल्यू 100 हो गई। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू कहीं 50 से 100 के बीच में आती है, एक्स की वैल्यू 50 से 100 के बीच में, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 50 अपन 100 माइनस 50, एक्स माइनस 50 अपन 100 माइनस 50 दैट इज 50। तो इस प्रकार से हमने डर्ट के लिए तीनों लिंग्विस्टिक वेरिएबल के लिए मेंबरशिप फंक्शन फाइंड आउट कर लिए। यही सेम वे हमारा होगा ग्रीस के लिए भी। यहाँ पे भी तीन लिंग्विस्टिक वेरिएबल हमने माने थे, यहाँ पे ग्रीस को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा इनपुट वैल्यू है, तो नो ग्रीस, मीडियम ग्रीस एंड लार्ज ग्रीस। यहाँ पे भी ग्रीस भी हमारा परसेंटेज में है, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 0% मतलब नो ग्रीस, 50% मतलब मीडियम ग्रीस और 100% मीन्स लार्ज ग्रीस है। सेम तरीके से हमने इनके भी मेंबरशिप फंक्शंस को डिज़ाइन कर लिया है। अब आते हैं अपन किसमें, वॉश टाइम यानी हमारे आउटपुट वेरिएबल के मेंबरशिप फंक्शन की बात करते हैं। आउटपुट लिंग्विस्टिक वेरिएबल हमने पांच माने हुए थे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम, लार्ज एंड वेरी लार्ज। ये जो इंटरवल डिसाइड किया गया, ये डिसीजन आप भी ले सकते हो, आपके हिसाब से कोई भी इंटरवल बना सकते हो, डिपेंड इसी इंटरवल पे एक्यूरेसी करती है। हमने अपने हिसाब से माना है कि जो जीरो पे है, वेरी शॉर्ट जो हमारा टाइम है वो जीरो पे पीक पे होगा, जो स्मॉल टाइम है वो हमारा 10 पे होगा, मीडियम टाइम 25 पे, लार्ज टाइम 40 मिनट पे और वेरी लार्ज टाइम 60 मिनट पे होगा। तो दैट्स वाई अब कोई भी एक पिक कर लेता हूँ, सपोज दैट मैं पहले वेरी शॉर्ट पे स्टार्ट करता हूँ, तो वेरी शॉर्ट हमारा 0 से 10 के बीच में, इट मीन्स ये सेकंड हाफ वाला पार्ट है और यहाँ ये हमने आउटपुट को जेड से कंसीडर कर रहे हैं। तो जेड अगर हमारा सपोज दैट 0 से 10 के बीच में कहीं आता है, तो दैट्स वाई ये सेकंड हाफ वाला पार्ट है, तो हो जाएगा 10 माइनस जेड अपॉन 10 माइनस 0। ये कब है, जब जेड हमारा 0 से 10 के बीच में है। चलिए अब अपन एक बार मीडियम भी कोई एक और उठा लेते हैं, मीडियम पिक कर लेते हैं। सपोज दैट जेड हमारा मीडियम पे आ रहा है, तो दैट्स वे इसमें दो पार्ट हैं, 10 से 25 और 25 से 40। तो इस तरीके से अगर मेरा z 10 से 25 के बीच में आता है, तो दैट्स वे क्या हो जाएगा, 10 माइनस z अपॉन 25 माइनस 10। तो ये हमने देखा ये मीडियम के लिए है, तो मीडियम वाला ये है, तो 10 माइनस z अपॉन 25 माइनस 10 दैट वाज 15 z जब हमारा 10 से 25 के बीच में आया। इसी प्रकार से अगर z हमारा 25 से 40 के बीच में आए, तो दैट्स वे 40 माइनस z अपॉन 40 माइनस 25, ये हमारा आ गया इसका मेंबरशिप फंक्शन जब हमारा जेड 25 से 40 के बीच में था। तो बाकी के भी मेंबरशिप फंक्शन इस तरीके से डिजाइन कर लिए जाएंगे। अब तीसरा स्टेप आता है रूल बेस जनरेट करना। रूल बेस जनरेट करने के लिए हमको एक मैट्रिक्स बनानी है, कितने क्रॉस कितने की, तो नंबर ऑफ रोज होंगे जो हमारा इनपुट 1 था, और नंबर ऑफ कॉलम होंगे जो हमारा इनपुट y था यानी सेकंड इनपुट था। तो तीन लिंग्विस्टिक वेरिएबल हमारे पास में थे x पे, इट मीन्स इनपुट 1 पे, और तीन लिंग्विस्टिक वेरिएबल हमारे पास में थे y यानी सेकंड इनपुट पे। तो 3x3 की एक मैट्रिक्स बन गई। अब इस 3x3 की मैट्रिक्स इनिशियली ब्लैंक होगी, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब हम एक एक करके इसमें वैल्यू फिल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होता है जो डायगोनल पार्ट है, इस डायगोनल पार्ट में वैल्यू को इंसर्ट करना। तो अब ये क्या है, स्मॉल डर्ट एंड नो ग्रीस। तो जब स्मॉल डर्ट और नो ग्रीस है, तो वॉश टाइम यानी जो आउटपुट है आपका क्या होगा, वॉश टाइम आपने पांच लिंग्विस्टिक वेरिएबल डिसाइड किए थे,
तो जब स्मॉल डर्ट है और नो ग्रीस इन ऑन क्लॉथ, सो दैट्स वाई वेरी शॉर्ट टाइम, तो अपन ने यहाँ इसको वी एस लिख दिया। जब मीडियम डर्ट है और मीडियम ग्रीस है तो मीडियम टाइम, जब लार्ज डर्ट है और लार्ज ग्रीस है तो वेरी लार्ज टाइम। ये डायगोनल पूरा तैयार हो गया। अब हम बाकी की वैल्यू को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो शॉर्ट डर्ट मीडियम ग्रीस, स्मॉल डर्ट एंड मीडियम ग्रीस मीडियम एग्जीक्यूशन टाइम, देन स्मॉल डर्ट लार्ज ग्रीस लार्ज टाइम, मीडियम डर्ट नो ग्रीस स्मॉल टाइम, मीडियम डर्ट लार्ज ग्रीस लार्ज टाइम, और इस तरीके से ये 3x3 की जो मैट्रिक्स है इसकी सारी वैल्यूज़ को हम फिल कर लेंगे। ये हमारा रूल बेस बन गया। टोटल कितने रूल बने इसमें? 9 रूल बने। अब या तो आप 9 के 9 रूल अप्लाई कर दीजिए या तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक रूल लीजिए। देखते हैं अपन आगे इसको कैसे करेंगे। तो अब रूल 4 आता है, जो स्टेप 4 आता है, जिसमें हमारा रूल को इवेल्युएट करना है। अब ये जो रूल्स हमने बनाए हैं इनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होगा। तो लेट सपोज हमने दो इनपुट लिया, डर्ट को लिया 60% और ग्रीस को लिया 70%। ये दो इनपुट हमारे पास में आ गए, तो सबसे पहले ये दोनों क्या है, चूंकि क्रिस्प इनपुट है तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे फजी इनपुट में। तो इसके लिए हमने लिया कि जो डर्ट 60% है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा मेंबरशिप फंक्शन क्या है। इसी प्रकार से ग्रीस 70% तो इसके लिए कौन सा मेंबरशिप फंक्शन है। तो चलिए हम वापस चल के आपको दिखाते हैं कि इसके लिए मेंबरशिप फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं डर्ट की बात करता हूँ। चूंकि डर्ट हमने 60% लिया हुआ है, दैट्स वाई वो वैल्यू 50 से 100 के बीच में वेरी कर रही। तो हम देखें कि एक्स की जो वैल्यू है वो 50 से 100 के बीच में किस मेंबरशिप फंक्शन में। हमने देखा ये दो जगह पे जो एक्स की वैल्यू वो 50 से 100 के बीच में है, यहाँ पे भी 50 से 100 के बीच में। तो इसके लिए दो मेंबरशिप फंक्शन कॉल होंगे। एक मीडियम डर्ट वाला कॉल होगा जिसमें 100 माइनस एक्स अपान 50 है, और एक लार्ज डर्ट वाला कॉल होगा जिसमें एक्स माइनस 50 अपान 50 है। ये दोनों इसके लिए कॉल होंगे। इसी प्रकार से जब हम ग्रीस की बात करें, ग्रीस भी वैल्यू हमारी 70% है, तो ये वैल्यू 50 से 100 के बीच में वेरी कर रही है। देखें कि वाई की वैल्यू कहाँ 50 से 100 के बीच में है। तो इन दो पॉइंट्स पे हमने देखा कि ये जो वाई की वैल्यू है वो 50 से 100 के बीच में है। तो दैट्स वाई एक मेंबरशिप फंक्शन मीडियम ग्रीस के लिए कॉल होगा और एक लार्ज ग्रीस के लिए कॉल होगा, 100 माइनस वाई अपान 50 और वाई माइनस 50 अपान 50। चलिए तो चल के देखा जाए, जब ये फंक्शन अप्लाई किया तो ये दोनों फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से दोनों फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे 60 प्लेस कर दिया, 4/5 यानी मीडियम ग्रीस की जो मेंबरशिप वैल्यू आई वो आई 4/5 और लार्ज मीडियम डर्ट की, और जो लार्ज डर्ट की मेंबरशिप वैल्यू आई दैट इज़ 1/5। सिमिलरली मीडियम ग्रीस के लिए जो मेंबरशिप वैल्यू है दैट इज़ 3/5 और लार्ज ग्रीस के लिए मेंबरशिप वैल्यू है 2/5। आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे रूल बेस तो बनाए थे 9, लेकिन हमारे कॉल कौन कौन से हुए? मीडियम ग्रीस, मीडियम डर्ट मीडियम ग्रीस, मीडियम डर्ट लार्ज ग्रीस, लार्ज डर्ट मीडियम ग्रीस, लार्ज डर्ट लार्ज ग्रीस। ये कैसे पता चला? देखिए यहाँ केवल 4 कॉल हुए हैं, जबकि हमने टोटल 9 मेंबरशिप फंक्शन बनाए थे, लेकिन कॉल कितने हुए? 4। तो किस तरीके से हम मेंबरशिप फंक्शन बनाते हैं, देखिए। पहले हमने इसका पिक किया और इसके दोनों को कॉल करेंगे, फिर हम इसको पिक करेंगे और इसके दोनों को कॉल करेंगे। तो दैट्स वाई मीडियम डर्ट मीडियम ग्रीस, मीडियम डर्ट लार्ज ग्रीस, लार्ज डर्ट मीडियम ग्रीस, लार्ज डर्ट लार्ज ग्रीस। तो देखिए डर्ट इज मीडियम एंड ग्रीस इज मीडियम, डर्ट इज मीडियम एंड ग्रीस इज लार्ज, सेम थिंग लाइक दैट। ये सिमिलरली वही चीज़ लिखी हुई है। ये 4 रूल हमको मिल गए। अब इन 4 रूल को हमको इवेलुएट करना पड़ेगा, इनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो चूंकि हमने यहाँ एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, आपको मैं एक चीज़ रिकॉल कराना चाहूँगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ हमने एंड ऑपरेटर कैसे लगा, ये तो आप देख सकते हो कि यहाँ बीच में एंड लगा हुआ है दोनों के बीच में। तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर जब टास्क परफॉर्म करता तो वहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी दो वैल्यूज़ के बीच में अगर एंड लगा तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वही पिक की जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा समझने के लिए आप कंपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप जो मैंने आपको मैक्स मिन कंपोजिशन पढ़ाया हुआ था उसको जाके देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो दैट्स वाई मिन कॉल होगा और मिन के ऊपर फिर मैक्स कॉल होता है। मैक्स मिन कंपोजिशन मैंने आपको बताया, तो अभी हम पहले मिन निकाल के देखते हैं। तो दैट्स वाई रूल 1। तो पहला रूल क्या था, जो डर्ट थी वो मीडियम थी, ग्रीस मीडियम था, तो मैंने दोनों वैल्यू को यहाँ लिख लिया, मीडियम डर्ट वाला 60 एंड मीडियम ग्रीस वाला 70। इसमें दोनों की वैल्यू थी 4/5, 3/5। इसको दिखा देता हूँ, ये 4/5 और ये 3/5 है। देन इन दोनों में मिनिमम ऑपरेटर अप्लाई हुआ और जो मिनिमम वैल्यू थी दैट वाज 3/5। तो रूल 1 की जो स्ट्रेंथ है वो दैट इज 3/5। इसी प्रकार से रूल 2 की स्ट्रेंथ है 2/5, रूल 3 की स्ट्रेंथ है 1/5 एंड रूल 4 की स्ट्रेंथ है 1/5।
अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हमको इस रूल बेस पे सेट कर देना है। तो देखते हैं रूल बेस पे सेट करके। देखिए ये यू नो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कि सारी वैल्यूज़ पे क्रॉस का निशान है। चूंकि ये 9 रूल्स थे लेकिन कॉल कितने हुए, केवल 4। कौन कौन से रूल कॉल हुए? मीडियम डर्ट मीडियम ग्रीस कॉल हुआ था, मीडियम डर्ट लार्ज ग्रीस कॉल हुआ, लार्ज डर्ट मीडियम ग्रीस कॉल हुआ था, और लार्ज डर्ट लार्ज ग्रीस कॉल हुआ। बाकी के रूल्स कॉल नहीं हुए, इसलिए बाकी पोजिशन पर क्रॉस का निशान है। जब ये कॉल हुए तो आपने देखा था जब मीडियम डर्ट और मीडियम ग्रीस था तो यहाँ पे जो वॉश टाइम था वो मीडियम था। इसी प्रकार से वॉश टाइम लिखे हुए हैं जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई नया नहीं है। अब हमने इनके यू नो ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुई हैं, ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं इन लोगों के बीच की, वही हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो चूंकि मीडियम डर्ट और मीडियम ग्रीस की वैल्यू जो कॉल हुई वो जो कैलकुलेट हुई थी 3/5 थी। ये देखिए यहाँ पे मीडियम डर्ट और मीडियम ग्रीस की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 3/5 कैलकुलेट हुई थी। इसी प्रकार से यहाँ 2/5, यहाँ 1/5, यहाँ पे 1/5 था। ये तो हमने मिन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और मिनिमम वैल्यू जो निकल के आई वो यहाँ रख दी। अब हमको यू नो आउटपुट जो निकालना है, जो जेड निकालना है, उसकी मेंबरशिप वैल्यू को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले हम यू नो मेंबरशिप वैल्यू कैलकुलेट करें, तो दैट्स वाई यहाँ मैक्स ऑपरेशन अब परफॉर्म होगा, मैक्स मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 3/5। देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट हुई। तो चूंकि अब हमको मीन ऑफ मैक्स डीफजिफिकेशन टेक्निक, ये हमारा स्टेप नंबर 5 चालू हो गया। अब हमको डीफजिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी हर एक रूल की। तो हमने सारे रूल की वैल्यूज़ को लिख दिया, उसमें मैक्सिमम वैल्यू थी 3/5। इट मीन्स हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो आई है सारे रूल्स की वो 3/5 आई है। इस 3/5 को हम देखें तो ये जो 3/5 हमको मिला है ये कहाँ से मिला है? रूल 1 से मिला हुआ है। रूल 1 से कैसे? क्योंकि रूल 1 ही हमारा ये था क्या, डर्ट मीडियम एंड ग्रीस मीडियम। इट मीन्स मीडियम डर्ट एंड मीडियम ग्रीस इस पर्टिकुलर पोजीशन पर रूल 1 से मिला हुआ है। 4 रूल बने थे, रूल 1 से हमको ये 3/5 मिला है। जब हमारा वॉश टाइम क्या था? मीडियम था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हमारा वॉश टाइम क्या था, 3/5 कहाँ से मिला? जब मीडियम था। यहाँ पे आप देखिए 3/5 किस प्लेस पे? मीडियम पे। इट मीन्स जो हमारा आउटपुट जनरेट होगा उसके लिए हमें कौन सा मेंबरशिप फंक्शन कॉल करना पड़ेगा वॉश टाइम का? मीडियम टाइम वाला। देखते हैं मीडियम टाइम कहाँ पे है? यहाँ पे है। जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई उसके लिए हमें मीडियम फंक्शन कॉल करना है। तो मीडियम के लिए कौन सा है? दो वैल्यूज़ वाला है, एक तो z माइनस 10/15, दूसरा 40-z/50। हम इसको कॉल कर लेंगे वहाँ पे रिजल्ट निकालने के लिए। तो हमने ये दोनों z माइनस 10/15 एंड 40-z/15 को एक एक करके एक एक साइड लिख लिया। अब हमें यहाँ हमारा एम क्या है? इस जेड को कैलकुलेट करना। जेड क्या है? एक्चुअल में क्रिस्प वैल्यू है। अभी हमको क्या मिली है? मेंबरशिप वैल्यू मिली हुई है। तो ये मेंबरशिप वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया इस फंक्शन के सामने। इसी तरीके से हमने यहाँ मेंबरशिप वैल्यू को लिख दिया। जब दोनों साइड से कैलकुलेशन किया तो जेड की वैल्यू एक जगह 19 आई, दूसरी जगह पर 31 आई। अब इन दोनों का एवरेज लिया जाता है, तो एवरेज लेने पर जेड की वैल्यू टोटल 25 मिनट आई। इस प्रकार से वॉशिंग मशीन को जो यू नो टाइम डिटरमाइन हुआ वो है 25 मिनट। इट मीन 60% डर्ट और 70% डर्ट के लिए जो वॉश टाइम होगा वो 25 मिनट होगा। ये तो हुआ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अब इसी सेम प्रॉब्लम को हम मैटलैब का यूज़ करके, उसमें जो फजी टूल बॉक्स है उसको यूज़ करके हम देखेंगे कि वो हमारा वॉश टाइम क्या जनरेट करके देता है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास मैटलैब होना चाहिए। तो जो लिंक यहाँ दी गई है, इस लिंक पे आप क्लिक करके इसका एक ट्रायल वर्जन जो 30 डेज़ के लिए है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर फर्दर हम मैटलैब पे काम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी फजी लॉजिक टूल बॉक्स इन मैटलैब। जब मैटलैब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके की कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट पे फजी लॉजिक पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको वो जो टूल बॉक्स इसमें इनबिल्ट है मैटलैब में, उसको एक्सेस करना होगा। इसके लिए हमें कोड लिखना है FUZZY लॉजिक डिजाइनर और प्रेस इंटर। तो जैसे ही आप उस पर एंटर प्रेस किए वैसे ही आपको ये एक यू नो GUI क्रिएट होकर सामने आ जाएगी। ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो येलो वाला पार्ट है, ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, ये इनपुट पार्ट कहलाता है। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये जो लास्ट वाला है, इस ये आउटपुट कहलाता है। यहाँ से आउटपुट जनरेट होता है
और बीच वाला जो पार्ट है ये रूल बेस्ड जनरेट करने का काम करता है, जो नॉलेज बेस मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अभी ये इसने ममदानी है। देखिए, आपको एक दिन मैंने क्लास में डिस्कशन भी किया था कि दो टाइप के फजी इन्फेरेंस सिस्टम होते हैं, एक होता है ममदानी फजी इन्फेरेंस सिस्टम और दूसरा है सुजेनो फजी इन्फेरेंस सिस्टम। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस ये था कि जो ममदानी इन्फेरेंस सिस्टम है ये आउटपुट भी मेम्बरशिप फंक्शन के थ्रू ही जनरेट करता है, जबकि सुजेनो इन्फेरेंस सिस्टम जो है वो आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड सम ऑफ द यू नो एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में आपको वेटेड सम अप्लाई करते हैं और रिजल्ट जनरेट होता है, वहाँ इक्वेशन पे लीनियर इक्वेशन पे यू नो आउटपुट जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर अभी हमारा ममदानी अगर हमको सुजेनो लेना होता तो कैसे लेते हैं, हम न्यू फाइल पे क्लिक करके न्यू फजी इन्फेरेंस सिस्टम में जाते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ममदानी एंड सुजेनो, दोनों को वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हम ममदानी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही इनपुट है। अब हमारे प्रॉब्लम में तो दो इनपुट था, एक डर्ट है और दूसरा ग्रीस है, तो इसके लिए हमको यहाँ एडिट ऑप्शन पे जाके ऐड वेरिएबल पे इनपुट्स को ऐड करना होगा। तो ये हमने एक इनपुट और ऐड कर लिया, यहाँ दो इनपुट हो गए। अब एक एक करके हमको एक एक इनपुट के नेम चेंज कर लेते हैं। पहले इनपुट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स में जाकर इसका नेम चेंज कर सकते हो, हमने यहाँ पे इसको डर्ट कर दिया। इसी प्रकार से दूसरे इनपुट को चेंज कर लेते हैं, दूसरे इनपुट का नाम हम रख लेते हैं ग्रीस, और ये जो आउटपुट है इसको सेलेक्ट करके इसका नेम चेंज कर दिया अपन ने। आउटपुट का नेम चेंज करके अपन इसको कर देते हैं वॉच टाइम, वॉच टाइम, ग्रेट। नाउ अब हमें जो डर्ट है, तो हमने क्या किया था, पहला स्टेप किया था कि जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल हैं वो हमने बनाए थे, और दूसरा काम क्या किया था, मेंबरशिप फंक्शन सेलेक्ट किया था। तो दैट्स वाई एक एक करके ये काम कर लेते हैं। तो डर्ट पे डबल क्लिक किया हमने, तो जैसे ही डर्ट पे डबल क्लिक करेंगे आप, वैसे ही ये सामने आपके एक डिज़ाइन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें वो टास्क परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो रेंज डिसाइड कीजिए। तो हमने डर्ट के लिया था परसेंटेज में, और उसकी जो रेंज थी वो 0 से 100% थी, तो दैट्स वाई इसको हमने 100 कर दिया यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में, ओके। और अब चूंकि आप देख रहे हो कि ऑलरेडी जो ऑटोमेटिकली यहाँ तीन मेंबरशिप यू नो फंक्शन आए हुए हैं, ये मेंबरशिप फंक्शन नथिंग बट ये संख्या किस पे डिपेंड करते हैं, कितने लिंग्विस्टिक वेरिएबल हैं। हमारे में भी प्रॉब्लम में तीन लिंग्विस्टिक वेरिएबल थे, तो हम ये तीन लिंग्विस्टिक वेरिएबल ही रहने देंगे। और जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरे मेंबरशिप फंक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से किसी एक लाइन को सेलेक्ट करने के बाद में जब आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ कई सारे मेंबरशिप फंक्शन लिखे हुए हैं, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। हमारी प्रॉब्लम हमने ट्रायंगुलर ही यूज़ किया है, दैट्स व्हाई हम इसी को सेलेक्ट रहने देते हैं। अब सबसे पहला काम होता है कि हम क्या करें, ये जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल हैं इनके नेम चेंज कर दें। तो सबसे पहला लिंग्विस्टिक वेरिएबल हमारा क्या था, एसडी यानी स्मॉल डर्ट। तो ये हमने यहाँ एसडी कर दिया इस टेक्स्ट बॉक्स में। इस एसडी की रेंज क्या थी, आपने देखा था कि ये 0 पे पीक पे था और 50 पे यू नो ये डिक्रीज होके आ रहा था। तो दैट्स वाई ये जो तीन पॉइंट है यहाँ पे, ये इनिशियल पॉइंट पहली वैल्यू बताता है, दूसरी वैल्यू हमारा मिड पॉइंट बताता है पीक पॉइंट, और तीसरी वैल्यू जो है वो हमारा एंडिंग पॉइंट बताता है। चूंकि हमारे पास में अभी 0 पीक पॉइंट अवेलेबल है और एंड पॉइंट 50 अवेलेबल है, तो पहली वैल्यू को हमको खुद ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि जब हमारा एंड 50 पे हो रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो -50 पे हुई हो, इसलिए हमने ये -50 कर दी। अब जो हमारी यू नो मिडिल वैल्यू है, वो मिडिल वैल्यू क्या है, हमने इसको 0 मान के रखा हुआ है पीक वैल्यू, और जो एंडिंग है वो 50 पे हो रही है, तो दैट्स वाई हमने इसको सेट करके या बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली 50 पे सेट हो गया, इस 0 पे पीक पे है और 50 पे डिक्रीज होके आ रहा है। अब हम यही सेम टास्क हम परफॉर्म करते हैं सेकंड मेंबरशिप फंक्शन के लिए। सेकंड मेंबरशिप फंक्शन को सेलेक्ट किया और इसका नाम हमने रखा मीडियम डर्ट। मीडियम डर्ट रखने पर हम देख रहे हैं कि अब मीडियम डर्ट को हमने ध्यान कीजिए कि आप कहाँ से स्टार्ट था, ये 0 से स्टार्ट था और 50 पे पीक पे था और 100 पे एंड हो रहा था। तो दैट्स वे कर देते हैं अपन ऐसा, स्टार्टिंग पॉइंट 0, 50 पे पीक पे और 100 में यू नो डिक्रीजिंग, ठीक है, ये सेट हो गया। इसी प्रकार से अब हम तीसरे के साथ में ये टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ लार्ज डर्ट थी, लार्ज डर्ट की जो वैल्यू है वो 50 पे स्टार्टिंग पॉइंट पे थी, आप देख रहे हो। देन जो ओके यहाँ पे आपके मेंबरशिप फंक्शन पे लास्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं थी, तो जब 50 पे यू नो स्टार्ट थी, 100 पे पीक पे हुई, तो हम मान के चलते हैं कि 150 पे
डॉन गई होगी। ओके, इस तरीके से हमने डर्ट के लिए ये मेंबरशिप फंक्शन पूरा का पूरा डिसाइड कर लिया, इनके लिंग्विस्टिक वेरिएबल बना लिए, पहले दो स्टेप यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। यही सेम टास्क हमको ग्रीस के साथ करनी, तो हमने ग्रीस को सेलेक्ट कर लिया। अब ग्रीस के लिए भी ये काम कर लेते हैं, तो ग्रीस में हमने तीन बनाए थे, नो ग्रीस, मीडियम ग्रीस एंड लार्ज ग्रीस। वही सेम टास्क हम ये भी कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना था क्या, नो ग्रीस। इसके भी पहले आप देखिए रेंज कितना डिसाइड किया था परसेंटेज में, दैट्स वाई यहाँ पे पहले 100 कर लीजिए। फिर पहले वाले को सेलेक्ट करके हमने नो ग्रीस किया ही था, नो ग्रीस पे क्या था, पीक किस पे था, जीरो पे था, 50 पे हम, -50 पे हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट और +50 पे एंडिंग पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। ये हो गया। सेम टास्क मीडियम ग्रीस के साथ में, मीडियम ग्रीस स्टार्टिंग पॉइंट 0, मिडिल पॉइंट 50 एंड एंडिंग पॉइंट 100। ओके, एंड व्हाट अबाउट दी लार्ज ग्रीस, लार्ज ग्रीस जो स्टार्टिंग पॉइंट दैट वाज 50, मिडिल पॉइंट पीक पॉइंट 100 एंड एंडिंग पॉइंट 150। इस तरीके से ये हमारा, ओ समथिंग इज रॉन्ग, चलिए लेट्स सी क्या गड़बड़ है यहाँ पे देख लेते हैं। 50, 150। ओके, नाउ ये हमारा ग्रीस के लिए भी मेंबरशिप फंक्शन उसके लिंग्विस्टिक वेरिएबल बन गए। अब यही सेम टास्क हमको वॉच टाइम के साथ करना है। तो वॉच टाइम पे आपको हमने दिखाया था, बताया था कि कितने लिंग्विस्टिक वेरिएबल थे, 5। यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं, 3, तो हमको 2 और इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ जाते हैं ऐड मेंबरशिप फंक्शन पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 हमारे पास थे, 2 और बढ़ाने हैं, तो ये 2 और हम बढ़ा लेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास में, यहाँ पे आप देखोगे कि ये 5 आ गए। ठीक है, अब एक एक करके हमको सबको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मेंबरशिप फंक्शन 1 की बात करें, तो मेंबरशिप फंक्शन हमारा 1 क्या था, वेरी शॉर्ट टाइम। रेंज क्या डिसाइड की थी, ये ध्यान देने वाली बात है, वॉच टाइम हमने लिया था 60 मिनट का, तो दैट्स वाई रेंज यहाँ क्या हो जाएगी, 0 से 60। ओके, और ये जो मेंबरशिप 1 है, वेरी शॉर्ट टाइम, ये था 0 से 10 के बीच में हमने डिसाइड किया हुआ था, तो इसकी इनिशियल वैल्यू हम मान लेते हैं कि -10 रही होगी। 0 पे ये मिडिल पॉइंट पे था, यहाँ पे 0 सेट कर दीजिए, और एंडिंग पॉइंट इसका +10 था, ये सेट हो गया। इसी तरीके से हम बाकी मेंबरशिप फंक्शन को भी सेट कर लेते हैं। तो ये हमने मेंबरशिप फंक्शन बना लिया वॉच टाइम के लिए भी, उनके लिंग्विस्टिक वेरिएबल डिज़ाइन कर लिए, सबकी जो रेंज थी जो हमने प्रॉब्लम में डिस्कस की थी उसी रेंज के अकॉर्डिंग सारे मेंबरशिप फंक्शन यहाँ बन गए। जब ये सारे बन गए तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब मैटर आता है हमारा किसका, रूल बेस जनरेट करने का। तो रूल बेस जनरेट करने के लिए जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारा रूल बेस ओपन हो गया। इस रूल बेस को ओपन करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल आपने डर्ट के लिए लिखे हुए थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। 1 by 1 हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीस के लिए लिंग्विस्टिक वेरिएबल यहाँ है, इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से वॉच टाइम के लिंग्विस्टिक वेरिएबल यहाँ लिखे हुए हैं। ये ऐड रूल बटन है जिसका काम है रूल्स को ऐड करना। अगर कोई रूल गलत लिख गया है तो अपन डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ के बीच में एंड ऑपरेटर लगाए थे, इसलिए एंड पे क्लिक है, आप चाहें तो और पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब एक एक करके रूल जनरेट करते हैं। टोटल 9 रूल हमने जनरेट किए थे, तो यहाँ से टोटल 9 रूल जनरेट करके देखते हैं। तो सबसे पहला रूल था हमारा स्मॉल डर्ट और नो ग्रीस में वेरी शॉर्ट टाइम, स्मॉल डर्ट और नो ग्रीस में वेरी शॉर्ट टाइम, इस रूल को ऐड कर देते हैं। देखा आपने यहाँ लिखा है, इफ डर्ट इज स्मॉल डर्ट एंड ग्रीस इज नो ग्रीस देन वॉश टाइम इज वेरी शॉर्ट, पहला रूल ऐड हो गया। दूसरा रूल था स्मॉल डर्ट एंड मीडियम ग्रीस, इसमें जो टाइमिंग हमने डिसाइड की थी वो मीडियम टाइमिंग डिसाइड की थी, मीडियम वॉश टाइम, ऐड रूल। तीसरा जो था वो स्मॉल डर्ट एंड लार्ज ग्रीस, इसी प्रकार से इसकी जो टाइमिंग हमने डिसाइड की थी वो लार्ज की डिसाइड की थी, ये ऐड रूल कर दिया।
नेक्स्ट जो है वो हमने डिसाइड किया था मीडियम डर्ट एंड नो ग्रीस, स्मॉल टाइम एड रूल. सिमिलरली हम आगे सारे रूल्स करते जाते हैं, मीडियम डर्ट एंड मीडियम ग्रीस. इसके लिए जो टाइमिंग डिसाइड थी वो मीडियम टाइमिंग थी. मीडियम डर्ट एंड लार्ज ग्रीस के लिए जो टाइमिंग थी वो लार्ज टाइमिंग थी. लार्ज डर्ट और नो ग्रीस मीडियम टाइम, लार्ज डर्ट एंड मीडियम ग्रीस लार्ज टाइम, लार्ज डर्ट और लार्ज ग्रीस वेरी लार्ज टाइम. ये इस प्रकार से 99 रूल्स हमने यहाँ बना लिए. जैसे ही रूल कंप्लीट होते हैं इसको भी अपन क्लोज कर देते हैं. ये क्लोज करने के बाद में अब हमारा काम है रूल्स को व्यू करना. ओके, ये रूल्स व्यू हो गए. तो यहाँ पे अभी इनिशियली इसने 50% डर्ट और 50% ग्रीस में टाइमिंग 25 मिनट ऑलरेडी दे रखी है. हमने यहाँ पे 9 रूल्स यूज़ किए. जितने रूल्स आप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अपन को मिलती जाएगी. तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इनपुट दे रहा है, तो हमारे दो इनपुट थे इसलिए यहाँ दो जगह पे वैल्यू कॉमा सेपरेटेड आ रही है. पहली जगह पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं चूँकि हमने इनपुट लिया हुआ था 60% डर्ट और दूसरे इनपुट में हमने लिया हुआ था 70% ग्रीस. यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप इंटर प्रेस करिए. जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी और इसका जो वॉश टाइम आ रहा है वो दैट इज़ 33.7. इट मीन्स 33 मिनट 7 सेकंड के टाइम के लिए वॉशिंग मशीन चलेगी जब क्लॉथ में 60% डर्ट है और 70% ग्रीस है. सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ममदानी फजी इन्फेरेंस सिस्टम बाय यूजिंग द फजी टूल बॉक्स इन मैटलैब. अब सेम टास्क को हम सुजेनो में देख लेते हैं कि सुजेनो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो आप प्लीज़ एक बार आगे बढ़ने से पहले इस डायग्राम को देखिए कि यहाँ पे दो इनपुट हमने लिया, बीच में रूल बेस अप्लाई किया और लास्ट में हमारा फिर से मेंबरशिप फंक्शन लगाया हमने वॉच टाइम कैलकुलेट करने के लिए. सुजेनो में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो मैं आपको पहले से बता दूँ कि बाकी इतना पोर्शन सेम रहेगा. लास्ट वाले पोर्शन वहाँ मेंबरशिप फंक्शन ना लगे, वहाँ इक्वेशन लगती है. तो वो इक्वेशन हम देखेंगे कैसे जनरेट होती है. सो लेट्स गो विद दी सुजेनो फजी इन्फेरेंस सिस्टम. सो तो फजी जो सुजेनो इन्फेरेंस सिस्टम में जाने के लिए हम ये सुजेनो पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमको नया इन्फेरेंस सिस्टम आ गया. वही सेम प्रोसीजर जो यहाँ तक हमने अप्लाई की थी वंस अगेन करेंगे. बस जो थोड़ा चेंज होगा वो यहाँ आउटपुट में होगा. इनपुट के लिए तो आप सारे टास्क वही सेम परफॉर्म कर सकते हैं. आउटपुट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करेंगे. जब आउटपुट पे हम बात करते हैं तो हमें पहले तो लिंग्विस्टिक वेरिएबल बनाने पड़ेंगे. लिंग्विस्टिक वेरिएबल कितने बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 है जबकि हमारे पास में कितने लिंग्विस्टिक वेरिएबल थे, हमारे 5 थे. तो दैट्स वे हमने 2 लिंग्विस्टिक वेरिएबल और बढ़ा लेते हैं. यहाँ पे ये 2 लिंग्विस्टिक वेरिएबल और बढ़ा गए. यहाँ देखिए कोई भी मेंबरशिप फंक्शन नहीं सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे ये वैल्यूज सेलेक्ट हो रही हैं. अब ये वैल्यूज़ दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो कांस्टेंट आउटपुट मिले या तो लीनियर आउटपुट आपको मिले. तो दैट्स वे हम कांस्टेंट पे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं. सबसे पहले की बात करते हैं, हम इसको वेरी सॉर्ट करते हैं. पहला लिंग्विस्टिक वेरिएबल वेरी सॉर्ट था. इसकी जो रेंज है वॉश टाइम की रेंज हमने कितनी रखी थी, यहाँ पे 60 रखी हुई थी. तो ये दैट्स वे हम यहाँ 60 रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं. अब ये पैरामीटर वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे इनिशियली 0. तो जब वेरी शॉर्ट टाइम इट मीन्स वॉशिंग मशीन की जो वॉश टाइम है वो 0 रहेगा. सेकंड की बात हम बात करते हैं, सेकंड हमारा शॉर्ट टाइम था, शॉर्ट टाइम सेलेक्ट कर लिया. और जो इसका वॉश टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज दैट हमने खुद ही माना हुआ था 10 मिनट. 10 मिनट शॉर्ट वॉशिंग टाइम है, पीक पे रहता है, शॉर्ट के लिए था. जो फिर तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा हमारा मेंबरशिप था मीडियम. मीडियम की जो हमने वॉश टाइम पीक पे रखी थी वो 25 मिनट पे रखी हुई थी, ये हमने सेट कर दी. इसी प्रकार से जो मेंबरशिप फंक्शन 4 था वो हमारा लार्ज वॉशिंग टाइम था. लार्ज वॉशिंग टाइम की जो पीक वैल्यू थी दैट वाज 40. और वेरी लार्ज की जब हम पांचवे पे सेलेक्ट करते हैं तो हमने इसको सेट कर रखा था 60 पे. ये हम इसको 60 पे कर देते हैं. ओके, इस तरीके से हमने ये आउटपुट के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर ली. ओके, तो ये हमारा आउटपुट फंक्शन के लिए काम हो गया. इसी प्रकार से हम इनपुट जनरेट कर लेंगे, रूल बेस बनाएंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसी हमने ममदानी में की थी. तो आपकी सहूलियत के लिए हमने एक सुजेनो मेंबरशिप फंक्शन उसका जो इन्फेरेंस सिस्टम है ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है. तो हम उस इन्फेरेंस सिस्टम को ओपन करके देखते हैं कि वो इन्फेरेंस सिस्टम
कैसे काम करता है, उससे क्या रिजल्ट जनरेट होंगे। तो इसके लिए हमें टाइप करना है फजी लॉजिक डिज़ाइनर, और यहाँ पे हमें फ़ाइल का नेम देना होगा, जो कि आपको मैं बता दूँ ये हमारी फ़ाइल का नेम है suzano_fuzzy.fis, एंड प्रेस इंटर। जैसे ही प्रेस करेंगे ये फजी इन्फेरेंस सिस्टम सामने ओपन हो गया, सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, दिखा दूँ मैं आपको। तो एज इट इज़ डर्ट के लिए मेंबरशिप फंक्शन बना हुआ है, ग्रीस के लिए भी बना हुआ है, यहाँ पे जो वॉश टाइम के लिए हमने बनाया था देखिए बिल्कुल एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ को उसी हिसाब से डिसाइड किया हुआ है। अब हमारा काम है यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना, तो हम रूल बेस पे जाते हैं। ओके, बिफोर गोइंग ऑन दिस आप चाहे तो रूल्स भी देख सकते हैं, जो रूल्स हमने बनाए हैं क्या वही सेम रूल हैं, वही सेम 9 रूल्स हैं उसी तरीके से हमने बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो दैट्स वे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यही सेम टेक्स्ट बॉक्स में आप इनपुट वैल्यू चेंज कर दीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने 60 कर दिया, ये हमने 70 पुट किया, एंड हमारे पास जो वॉश टाइम आ रहा है डर्ट, इफ़ डर्ट इज 60% एंड 70% ग्रीस देन वॉश टाइम इज 34.4। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो ममदानी में ये यही था 33 point something। एक्चुअली में व्हाट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि जो सुजेनो है मोर एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन यूज़ होती है, यहाँ फंक्शन यूज़ होता है आउटपुट जनरेट करने के लिए, जबकि ममदानी में हम मेंबरशिप फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन चूँकि सुजेनो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट पड़ जाता है क्योंकि फंक्शन इक्वेशन लिखनी पड़ती है, हमें इक्वेशन डिज़ाइन करनी पड़ती है, दैट्स वे मोस्ट फैमिली और सिंप्लिसिटी की वजह से क्या है ममदानी कॉमनली यूज़ होता है ज़्यादातर एरियाज में, वही यूज़ किया जाता है। So that's all about from my side about the Suzano as well as Mamdani inference system. मैंने आपको दिखाया कि दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या रिजल्ट डिफरेंस आता है, क्या कैसे हम फजी लॉजिक टूल बॉक्स का यूज़ करेंगे मेटलैब में, और इस तरीके से हम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू।